हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फूड पॉकेट। आज हम बनाने जा रहे हैं होली स्पेशल अंगूरी रबड़ी। आइए फिर बनाने चले। अंगूरी रबड़ी बनाने के लिए मैं सबसे पहले मिल्क गरम कर रही हूँ। मैं यहाँ पर 1 लीटर मिल्क ली हूँ और इसमें यह भी गरम होने देंगे। और हमें पूरी उबालना नहीं है, हमें थोड़ी सी गरम होने देना है। इसके बाद मैं इसमें लेमन 2 लेमन को मैं जूस निकाल रही हूँ अभी, और इसमें थोड़े थोड़े करके हम डालेंगे। पहले जूस निकाल लेते हैं, जितना जूस होगा लेमन का उतना हमें उसमें पानी मिलानी पड़ेगी। और हमें इसको थोड़ा सा मिल्क गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे, और हमें छेना तैयार करनी है। हमने जूस निकाल लिया है लेमन से, अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी, जितना जूस है थोड़ा डाल रही हूँ। और ये जो पानी है हमें इसको लेके ना दूध फाड़ने में हमें काम आएगा, और इसको हम एक एक चम्मच करके डालेंगे और हमें छेना निकालनी है। हमारा देखिए दूध गर्म हो चुका है, मैं गैस ऑफ भी कर दी हूँ। अब हम इसमें क्या करेंगे, लेमन जो हमने लेमन जूस और पानी का एक मिक्सचर बनाया था, इसको मैं ऐसे डालूंगी 1-1 स्पून करके, और थोड़ा थोड़ा ऐसे चलाती जाऊंगी जब तक ये नहीं फट रहा है। हम देखेंगे ना इसको, ये फट जाएगा अभी तुरंत, तो हमें इसे थोड़े थोड़े करके डालना है तब तक। ये देखिए हमारा छेना पूरी फट के निकल गई है दूध, देखिए कितनी अच्छी हुई है। और इसको हम अभी स्ट्रेन कर लेते हैं। पहले एक ना स्ट्रेनर में इसको लेके हमें इसको अच्छी तरह ऐसे पानी से धुलना है, क्योंकि जो लेमन जूस हमने डाला था ना वो फ्लेवर इसमें आ जाते हैं, तो हमें थोड़ा सा इसे धुलना पड़ेगा। एक ना ऐसे स्ट्रेनर लेके हम क्या करेंगे, ये जो हमारा छेना का है ना पानी, इसको इसमें स्ट्रेन कर लेंगे और छेने को अलग से ही रख लेंगे। ये जो पानी है आप आटा गूंथने में भी काम आता है, आप आटा गूंथ भी सकते हैं इसमें से रख के, इसको फेंकिएगा मत। ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, हेल्दी होता है। हमने स्ट्रेनर से स्ट्रेन करके ये देखिए एक मलमल के कपड़े में मैं ऐसे ले ली हूँ। इसको हम क्या करेंगे, मैंने धो लिया था अच्छी तरह इसे, और ये देखिए ये जो पानी जितना भी है हमारा इसको निचोड़ के हम निकाल लेंगे। ये देखिए एक ऐसे प्लेट लेके इसके ऊपर आप इसको निकाल के फिर ना हम इसे अच्छी तरह, हमें ना इसे मैश करनी है पूरी ऐसे, जैसे मैं पहले भी वीडियो में मैंने रसगुल्ले बनाए थे, आप मेरी YouTube चैनल पे जाके देख सकते हैं, तो उसमें मैंने सारे इसकी जैसे जैसे रसगुल्ले बनाने के तरीके सारे मैंने बताया था। तो इसको आप अच्छी तरह, अभी इसको हम क्या करेंगे, छेने को अच्छी तरह हमें बहुत टाइम तक, मतलब 10-15 मिनट तक हमें तो अच्छी तरह इसको ऐसे गूंथना है, अच्छी तरह इसको हमें मैश करनी है पूरी अच्छी तरह, मतलब ऐसे पूरी आपकी ये जो हथेली पर यहाँ पे आप ऐसे करके ना इसको मैश करनी है। छेना हमारा सॉफ्ट हो चुका है देखिए, और इसको हम ऐसे रखते हैं। अभी मैं छोटे छोटे इसके रसगुल्ले बनाऊंगी। अब मैं यहाँ पर एक कुकर ली हूँ और इसमें मैं 1.5 कप शुगर डाल रही हूँ, और इसमें हम डालेंगे पानी। मैं यहाँ पर 5 कप में डाल रही हूँ, 5 कप में पानी डाल रही हूँ। और फ्लेम हमारा फुल है, इसको हम थोड़ी देर के लिए अभी पकाएंगे, मतलब चीनी मेल्ट हो जाएगा और उबाल आने आ जाएगा, जैसे उबल रहा है ना और उबाल आ जाए, हम इसमें हमारी छोटे छोटे जो रसगुल्ले हैं वो डालेंगे। हमारा छेना अच्छी तरह गूंथ चुका है, हमें इसको अभी थोड़े थोड़े करके छोटे छोटे गोले बनाने हैं।
मैं हाथों में ना थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लेती हूँ, थोड़ा सा हमें चाहिए, ज़्यादा नहीं। और इसको हमें क्या करनी है अभी, छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े नहीं, हमें छोटे छोटे अंगूरी, मतलब अंगूर जैसे छोटे छोटे बॉल ऐसे बनानी है, बना के रख देनी है। इस तरह छोटे छोटे हमारे छेने की अंगूर बनके तैयार हो गए। अब हम इसमें देखिए, हमारा पानी में भी उबाल आ चुका है। मैं इसमें एक एक बॉल्स डाल रही हूँ, सारे जितनी भी है ये देखिए। और इसको इकट्ठे ना डालिए, एक एक करके उसको पानी में डालिएगा। इसको ये देखिए मैंने सारा डाल दिया है। और इसको हम ना सिम पे रखेंगे, ज़्यादा मतलब तेज़ नहीं है आंच हमारा। और इसको हम ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए ढक देते हैं। जब तक हमारा रसगुल्ला बन रहा है, मैं यहाँ पर एक ना कढ़ाई ली हूँ, इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। और क्योंकि हमें यहाँ पर ना रबड़ी बनानी है, तो मैं यहाँ पर पानी डाल रही हूँ कि नीचे ना लगे। और इसमें मैं 1 लीटर मिल्क डाल रही हूँ, ये मैंने गाय का लिया है। इसको हम ना रिड्यूस करेंगे, फिर अच्छी तरह कम कर लेंगे। जैसे ये 1 लीटर है ना, हमें आधा इसको करना है, हाफ लीटर तक रखना है। तो इसको हम अच्छी तरह अभी बॉयल्ड होने देंगे और इसको हम रिड्यूस कर लेंगे। अब हम देखते हैं हमारी छेना कहाँ तक गया है, हमारे रसगुल्ले बने कि नहीं। हमारे रसगुल्ले देखिए कितनी छोटे थे ना, अभी इतने बड़े बड़े हो गए हैं। मैंने इसको कुकर में बनाया है, आप पतीले में भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कुकर में बनाइए। और थोड़ी देर हम इसे कुक करनी पड़ेगी। हमारे अंगूरी रसगुल्ले बन के देखिए तैयार हो गए। ये मैं ना आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए, ये देखिए कितनी सॉफ्ट है। इसको हम अभी ठंडे के लिए इसको बंद कर लेते हैं और ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें उसमें रबड़ी में डालना है। तो रबड़ी अब तक हुई नहीं है, जब रबड़ी होती है इसको हम ठंडा कर लेते हैं। ये देखिए हमारा दूध इतनी रिड्यूस हो चुकी है, हमें और भी इसे कम करनी है। इसमें मैं थोड़ी सी अभी इलायची पाउडर डाल रही हूँ, कुटी हुई इलायची पाउडर है। और इसको हम थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, 2-3 इलायची ली हूँ मैं। और इसको हम थोड़ी थोड़ी देर में ना इसको ऐसे चलाते रहेंगे, क्योंकि नीचे लगने का डर होता है ना। तो ऐसे थोड़े थोड़े देर में हमें ऐसे चलानी है। और ये और जैसे इतनी है और हमें कम करनी है, तब तक हमें इसको उबालनी है। हमारे रबड़ी बन के तैयार हो चुकी है, देखिए बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है मिल्क। और मैं इसमें 1/2 कप शुगर डाल रही हूँ। और ये शुगर आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना मीठा चाहते हो उसी हिसाब से डालिएगा। ये शुगर थोड़ी देर के लिए मेल्ट होने देंगे। हमारा शुगर मेल्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमारी जो हमने जो रसगुल्ले बनाए थे, ये देखिए मैंने निकाल के इसमें रखी हूँ प्लेट में। इसको ऐसे थोड़े से ऐसे निचोड़ के एक एक करके हम इसमें डाल देंगे। कितनी स्पॉन्जी बनी है देखिए। हमने ये जो रसगुल्ला डाला है ना, ये इसके अंदर सारे जूस अंदर चले जाएंगे। और हम अभी इसको पहले ना ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखेंगे, फिर सर्व करेंगे। अंगूरी रबड़ी बनके हमारी तैयार हो गई है। ये देखिए हमने मटके के अंदर रख लिया है। और इसमें मैं थोड़ी सी केसर के धागे मैंने मिल्क में भिगो के रखी थी, वो मैं डाल रही हूँ। इसके ऊपर हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, ये ऑप्शनल है, आपको अच्छे लगे तो डालना है, नहीं तो फिर आप स्किप कर सकते हैं। काजू, पिस्ता, जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है आप डाल सकते हैं इसमें। ये आप जरूर ट्राई कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए एक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।